नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। मथुरा बार एसोसिएशन का चुनाव कोरोना महामारी के चलते कुछ दिनों के लिए टला जरूर था, लेकिन एक बार फिर से इस चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। बार एसोसिएशन में इस बार 5 प्रत्याशी जो कि अध्यक्ष पद के लिए लाइन में है, जिन्होंने अपना पूरा दमखम लगा रखा है और हर तरह से अपने वोटरों को रिझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर मदन गोपाल सिंह। सबसे पहले मदन गोपाल जी, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आपने अभी तक के कार्यकाल में जो भी आपकी गतिविधियाँ रहीं, सबसे पहले उन गतिविधियों पर एक बार हम प्रयास एक बार प्रकाश डालेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी अधिवक्ता बंधुओं का, सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं का, इस बार से चुनाव में आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से सादर प्रणाम करता हूं और एक निवेदन आपके माध्यम से करता हूं कि मैंने पूरा प्रयास इस पूरी कैंपेनिंग के दौरान ये किया कि मैं प्रत्येक अधिवक्ता के पास अपनी बात कहते हुए, चूंकि मैं प्रत्याशी हूं, मैंने पूरा प्रयास ये किया कि मैं अधिवक्ताओं के साथ मिलजुल के, जैसा का मेरा व्यवहार है, सबसे मैंने कायदे से, व्यवहार से, स्वभाव से सबसे मैंने वोट मांगा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ बार एसोसिएशन के सम्मानित अधिवक्ताओं को। वास्तव में मुझे इतना प्यार मिला उनके द्वारा, जहाँ भी गया सबने हाथों हाथ लिया, सबने एक अच्छा जो है रेस्पॉन्स दिया है। और मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि मैं इस बार प्रत्याशी हूँ और निश्चित रूप से मेरा पिछला कार्यकलाप देखते हुए, आपने ये कहा कि मैं उसमें सेक्रेटरी के चुनाव में पराजित हुआ था और उपाध्यक्ष 2016-17 में मथुरा बार ने मुझे बम्फर वोटों से जिता के बनाया था। उसके बाद मैंने मथुरा कचहरी पे बहुत सारे काम अपनी बार के माध्यम से, चाहे वो सारी कलेक्ट्रेट की सड़कें हों, चैम्बर्स हों, किसी भी सम्मानीय अधिवक्ता को कभी भी मेरे लायक कैसी भी आवश्यकता पड़ी हो, जब से और अब तक बिना किसी भूमिका बनाए मैं 24 घंटे साल में 365 दिन तत्काल खड़ा रहता हूँ। जहाँ आवश्यकता पड़ी है, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे एक सेकंड भी आलस्य करना चाहिए। मैं अधिवक्ताओं के लिए समर्पित हूँ, संकल्पित हूँ उनकी सेवा के लिए। ये मैंने पुनः अध्यक्ष पद का चुनाव में लड़ रहा हूँ, तो इसमें मैं प्रार्थना करता हूँ अधिवक्ता बंधुओं से कि वो मुझे एक अच्छा मौका देंगे और निश्चित रूप से मुझे 30 जुलाई 2020 को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। ये एक कार्यकाल था बृजगोपाल शर्मा एडवोकेट साहब का। डॉक्टर बृजगोपाल के कार्यकाल में एक घोषणा की गई थी, एक संविधान बार का बनाया गया था। उस संविधान में ये तय किया गया था कि जो भी एडवोकेट जो एक बार अध्यक्ष, दो बार अध्यक्ष पद पे पदासीन हो जाएंगे, वो दोबारा पद पे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे या कोई भी पद पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इस बात से कितना सहमत हैं आप? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 2015-16 में डॉक्टर श्री बृजगोपाल शर्मा जी अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान में एक संशोधन करके व्यवस्था की थी कि जो अधिवक्ता दो बार किसी पद पर रह लेंगे वो अगली बार या तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ऐसी व्यवस्था निश्चित की थी। लेकिन बात करें, अभी महेश्वर नाथ चतुर्वेदी आपके सामने हैं, विजयपाल तोमर आपके सामने हैं, सुशील शर्मा आपके सामने हैं, जिनमें से बात करें महेश्वर नाथ चतुर्वेदी जो कि 4 बार अब तक चुनाव लड़ चुके हैं और 4 बार वो अध्यक्ष पद पे पदासीन हो चुके हैं। विजयपाल तोमर जो हैं वो दो बार पदासीन हो चुके हैं। सुशील शर्मा की बात करें तो वो पहले एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं और एक और प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह जो हैं वो पहली बार चुनाव मैदान में है अध्यक्ष पद के लिए और आप भी पहली बार चुनाव मैदान में है अध्यक्ष पद के लिए। ऐसी स्थिति में जो बायलॉज बनाया गया था, जो संविधान बनाया गया था, तो उस संविधान से ऊपर उठ करके ये सब हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, इस बात का जवाब सम्मानित अधिवक्ता आने वाले चुनाव में जरूर देंगे। बृजगोपाल जी द्वारा जो व्यवस्था की गई थी, बार का प्रत्येक सदस्य उनके बनाए गए संविधान से सहमत है और कुछ लोग यहाँ हमारे मथुरा
कचहरी में संविधान से ऊपर उठ चुके हैं, उनके सामने जब संविधान की कोई इज्जत नहीं है तो आम आदमी की भी इज्जत होना संभव नहीं है। उन्होंने जैसा चाहा वैसा किया है। इस बात का जवाब इस आने वाले चुनाव में मथुरा का सम्मानित अधिवक्ता जरूर देगा और बाकी सब समय के ऊपर निर्भर है। जैसा भी होगा हम सब चुनाव में तो फाइट में हैं। जी, एक बड़ी बात यह है कि बार एसोसिएशन की बात करते हैं तो मथुरा बार एसोसिएशन में लगभग 60% युवाओं का कब्जा है, 60% युवा हैं, लेकिन युवाओं की बात कहीं बार एसोसिएशन के द्वारा नहीं कही जाती, उनके लिए कोई कार्यकारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं प्लानिंग्स उनके लिए नहीं लाई जाती, तो इस पे अगर आप कहीं पदासीन होते हैं तो क्या प्लानिंग रहेंगी आपकी? देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और बड़ा ज्वलंत सा ही मुद्दा है। वास्तव में मथुरा कचहरी और अधिवक्ताओं में लगभग 60% युवा अधिवक्ताओं की भागीदारी है, लेकिन वास्तव में उनको न्याय जैसी बात नहीं मिली है। उनके लिए चैम्बर्स का अभाव है, उनके लिए वास्तव में हम जो कई सुविधाएं कर सकते हैं वो सुविधाएं उन युवाओं को आज तक नहीं मिली हैं। वास्तव में उनके लिए विकल्प के तौर पर यदि मुझे चुना जाता है तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक अधिवक्ता को विद ए टाइम चैम्बर्स की व्यवस्था कर दी जाएगी, विद ए टाइम उनके एक सोर्स ऑफ इनकम की व्यवस्था, जो मथुरा बार के पास इस तरह का निश्चित आइडिया होगा जिसकी वजह से वो कल्याणकारी योजनाएं, इतने लाभकारी योजनाएं होंगी कि युवाओं के कल्याण के लिए समर्पित भाव से हम उसे लागू कर देंगे। अभी लॉकडाउन के दौरान देखा गया कि बहुत सारे अधिवक्ता बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आए, मैसेजेस उन्होंने किए, बार एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की कि हम लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, और बड़े शर्म की बात रही ऐसा सुनने को मिला, चूँकि बार एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले जितने भी वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे जूनियर्स भी हैं जो निश्चित तौर पे ऐसी कगार पे आ पहुंचे थे जिनके घर में चूल्हा जलने की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही थी। ऐसे में बार एसोसिएशन से गुहार लगाई गई, बार एसोसिएशन ने या जो सम्मानित जो वहाँ के पदाधिकारी थे बार एसोसिएशन के, उनके द्वारा क्या कुछ उनके लिए सुविधाएँ की गई, क्या कहेंगे आप? देखो, ये आपका सवाल बड़ा ज्वलंत है। मथुरा बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित अधिवक्ता लॉकडाउन के दौरान अपने घरों पे रहे, काम भी उनका बंद रहा। इस कंडीशन में काफ़ी वकील जिन्होंने मथुरा बार एसोसिएशन को अपने प्रार्थना पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से या व्यक्तिगत जाके दिए, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि, प्रश्न ये है कि वो स्वाभिमानी लोग जो किसी के सामने ना हाथ पसारना चाहते हैं ना ये बताना चाहते हैं कि मेरी स्थिति क्या है, तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी मथुरा बार एसोसिएशन की बनती थी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मैसेज देकर कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, क्या मदद कर सकते हैं, ये पूछा जाना चाहिए था, पूछने के साथ किया भी जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ रेबड़ी बांटी गई, जो अपने चहेते हैं, जो जिनको अपना वोटर समझ रखा है, पिछलग्गू समझ रखा है। कायदे में प्रत्येक अधिवक्ता सहयोग देता है बार को, बहुत अच्छा सहयोग सभी का मिलता है, तो बार को भी ऐसे मौके पर जो वास्तव में आपातकाल की सी स्थिति रही है, सभी अधिवक्ताओं का सम्मान करना चाहिए था, सभी अधिवक्ताओं से पूछ के उनका सहयोग किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसी स्थिति में आप वृक्षारोपण आपने किया, बार एसोसिएशन में वृक्ष लगाते हुए आप नजर आए, मगर क्या उस चूल्हे पे आपका कोई ध्यान गया जो आपके लिए बेहद जरूरी था एक उपाध्यक्ष होने के नाते से? अधिवक्ताओं से पिछले बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ और व्यक्तिगत रूप से मेरा जुड़ाव ऐसा रहा है कि मैंने आपको एक बार मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, उस समय भी मैंने बहुत सारे काम कचहरी में कराए थे, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके प्रत्येक अधिवक्ता की लगभग राजी खुशी खबर ली, जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी मेरे से बन पड़ा, मैंने सहयोग किया, आज भी तत्पर हूँ। यदि मुझे मौका मिला तो उनके कर्ज को निश्चित रूप से चुका दूंगा, इस लॉकडाउन के दौरान का सारा हर्जा खर्चा उनको दिया जाएगा। एक सवाल जी, बार एसोसिएशन का जब जब चुनाव आता है तब तब एक बड़ा मुद्दा खड़ा होता है
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट स्थापित करने का, हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने का, लेकिन कभी हो नहीं पाता, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बड़ा पुराना सवाल है और हमारे यहाँ मुद्दा भी है। हाई कोर्ट को लेके हम तीन ग्रुपों में उत्तर प्रदेश बट जाता है। एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद और लखनऊ है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा कमिश्नरी और इधर मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो हम आगरा वाले, मथुरा वाले तो चाहते हैं कि आगरा में हाई कोर्ट बेंच आवे, मेरठ वाले चाहते हैं कि मेरठ में बेंच बने, इलाहाबाद और लखनऊ वाले चाहते हैं कि यहाँ से जाए नहीं। तो हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ता जा रहा है, वास्तव में हमें उसकी बहुत आवश्यकता है। क्या भूमिका रहेगी आपकी अगर आप? यदि हमें मौका मिला तो बहुत ज़बरदस्त हमारी भूमिका रहेगी, ये समय आने पर निर्भर है। बाकी इसमें हम ये चाहेंगे कि हमें एक सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी एक याचिका दाखिल करें, तो उसमें सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी आंदोलन हमारा लगातार जारी है, लेकिन बहुत आवश्यकता है हमें आंदोलन करने की, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम कोर्ट के माध्यम से उसे डिसाइड कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठाकुर मदन गोपाल जी, आपने इस तरह से जो अपनी बात रखी है। मदन गोपाल जी ने साफ तौर पे कहा कि अगर वो अध्यक्ष पद पे पदासीन होते हैं तो निश्चित तौर पे सबसे पहले युवाओं के लिए वो कल्याणकारी योजनाएं लेके आएंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिन अधिवक्ताओं के पास चैम्बर नहीं है तो उनके चैम्बर भी उपलब्ध कराने की बात कहेंगे। और साथ ही एक ज्वलंत मुद्दा जो रहता है कि हाई कोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित हो और मथुरा आगरा कमिश्नरी के बीच में स्थापित हो, उस पर भी उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे हम पूरा जोर लगाएंगे और इस आंदोलन को वृहद आंदोलन तक लेके जाएंगे और हाई कोर्ट वाले मुद्दे को भी मथुरा की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।